नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जनपद सिद्धार्थ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संदिग्ध अवस्था में एक नवजात शिशु बच्ची का शव मिला है। वही शव मिलने से अस्पताल के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। एक औरत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। उस वीडियो में एक महिला देर रात्रि में आती है, ओपीडी के रूम में जाती है और कुछ देर बाद रूम से निकलती है, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि नवजात शिशु बच्ची का शव किसने रखा। लेकिन वीडियो के माध्यम से महिला की खोजबीन की जा रही है। अधीक्षक एस के पटेल ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अधीक्षक एस के पटेल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देर रात्रि में एक महिला आती है और कुछ देर बाद रूम के बाहर जाती है। जब सुबह हुआ तो दाई के माध्यम से पता चला कि एक नवजात शिशु बच्ची मिली है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस नवजात शिशु बच्ची के शव को थाने में लेकर गई है। हमारी सुबह दाई क्या अटेंडेंट है जो अपनी लड़की की डिलीवरी कराने के लिए आई थी, उसने सुबह 4-5 बजे के आसपास देखी है। वो सूचना हमको दी है। उसके बाद हम लोगों ने इसको जांच पड़ताल कैमरे में किए हैं तो 2:36 के आसपास जो है एक महिला जो है संदिग्ध हालत में इसे अंदर घुस रही है हॉस्पिटल के अंदर, जो पेट पर अपना हाथ लगाई हुई है और उसी पर शक किया जा रहा है। लेकिन कैमरे में उसकी चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए उसका बहुत डिटेल हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। और इसके लिए हम SI को इन्फॉर्म कर दिया गया है थाना उसका के, जो आकर के नवजात से जो मृत लड़की थी उस कब्जे में ले लिया है और अपना आगे। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमना पार्क बलरामपुर में भैया बहनों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की भूमिका में नजर आए। बच्चों ने सभी को मनमोह लिया व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संस्कृत कार्यक्रम किया गया तथा साथ ही शिशु भारती के पदाधिकारी भैया बहन को उनके पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलरामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी एवं प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व छात्र उपाध्यक्ष समाज सेवी गौ सेवक रविन्द्र गुप्ता अमलापुरी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा विभिन्न लीलाओं के माध्यम से जनमानस को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की सीख दी। जिसमें विशिष्ट अतिथि गौसेवक वीरेंद्र गुप्ता कमलापुरी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने बल और बुद्धि से बुराई पर विजय प्राप्त की व शिशु भारती के पदाधिकारियों को विद्यालय के अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने पर बल दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम तीर्थ यादव तथा प्रबंधक डॉक्टर सतीश सिंह ने सभी भैया बहनों को जन्माष्टमी की बधाई दी तथा शिशु भारती के पदाधिकारियों को दायित्व निर्वाहन करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम समापन के बाद अपने परिवार के पूर्व आचार्य गंगाराम गोस्वामी की धर्मपत्नी के निर्धन तथा भाजपा के वरिष्ठ एवं जनसंघ के पुराने कर्मठ नेता श्री जगदम्बा प्रसाद सोनकर एडवोकेट सड़क दुर्घटना में मौत पर विद्यालय परिवार में शोक संवेदना की गई। इससे सभी विद्यालय परिवार प्रबंधक समिति के बंधुओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर साधना श्रीवास्तव जी ने किया। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल,
हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय विहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आर्य समाज बलरामपुर द्वारा इस वर्ष श्रावणी पर्व को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन से लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक 9 स्थानों पर बृहद यज्ञ और प्रवचन करके मनाया गया। 9वें दिन 9 कुंडीय यज्ञ करके ओम भवन में पूर्णाहुति की गई। भजन श्रृंखला प्रस्तुत करने के बाद बताया गया कि विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन के मूल सूत्राधार महर्षि दयानंद ही थे। महर्षि ने लिखा है, जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे तो दारिद्र्य और दुख के बिना दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। स्वदेशी भावना को प्रबलता से जगाते हुए ऋषि बड़े मार्मिक शब्दों में लिखते हैं, इतने से ही समझ लो कि अंग्रेज अपने देश के जूते का भी जितना मान करते हैं उतना अन्य देश के मनुष्यों का भी नहीं करते। महर्षि की इसी स्वदेशी भावना का परिणाम था कि भारत में सबसे पहले सन 1879 में आर्य समाज लाहौर के सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सामूहिक संकल्प लिया था, जिसका विवरण 14 अगस्त 1879 में स्टेटस मैन अखबार में मिलता है। महर्षि दयानंद के राष्ट्रीय विचारों के महत्व को अंग्रेज बहुत गहराई से अनुभव करते थे। सन 1911 की जनगणना के अध्यक्ष मी ब्लंट लिखते हैं, दयानंद मात्र गौहत्याबंदी, शराबबंदी, स्त्रियों को शिक्षा का समान अधिकार, दलित उद्धार, विधवा विवाह आदि आंदोलन के प्रेरणाता तथा अंधविश्वास और कुरीतियों के विनाशक व धार्मिक सुधारक ही नहीं थे, वो एक महान देशभक्त थे। ये कहना अधिक ठीक होगा कि उनके लिए धार्मिक सुधार राष्ट्रीय सुधार का ही एक उपाय था। एक अन्य स्थान पर यही ब्लंट लिखते थे, आर्य समाज के सिद्धांतों में देश प्रेम की प्रेरणा है। आर्य सिद्धांत और आर्य शिक्षा समाज रूप से भारत के प्राचीन गौरव की गीत गाते हैं। ऐसा करके वे अपने अनुयायियों में राष्ट्र के प्राचीन गौरव की भावना भरते हैं। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के बारा अटरू के हाट चौक स्थित ठाकुर बाबा मंदिर विकास समिति सदस्यों के तत्वाधान में आयोजित 10वीं दही हांडी प्रतियोगिता में गोविंदाओं की टोली आखिर दही हांडी तक पहुंची गई। ठाकुर बाबा मंदिर विकास समिति सदस्य चिंटू जैन ने बताया कि प्रतियोगिता में वाल्मीकि समाज, रामदेवरा क्लब एवं समिति के सदस्यों की 3 टीमों ने मटकी फोड़ने की आजमाइश की, जिसमें 4थे राउंड में रामदेवरा क्लब द्वारा मशक्कत कर लगातार 10वें साल में 4थी बार दही हांडी फोड़कर 11,000 रुपए की नगद राशि प्राप्त की। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं, नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी बिछमा थाना क्षेत्र के जमथरी गांव के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गोलियों की गड़गड़ाहट ग्रामवासियों के कानों में गूंजने लगी, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामिया को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके बाद से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दें, पूरा मामला बिछमा थाना क्षेत्र के जमथरी गाँव के निकट पेट्रोल पंप के पास का है। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस की नज़र 25,000 के इनामिया इदरीस पर पड़ी। जब पुलिस ने उसे रोका तो वो भाग खड़ा हुआ और पुलिस से बचने के लिए तमंचे से फायरिंग करने लगा। पुलिस से बचाव में अपनी तरफ से फायरिंग की, उसके दाहिने पैर में गोली जा लगी। सर, एक एनकाउंटर हुआ है अभी पुलिस मुठभेड़ में, एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, क्या पूरा मामला है? बिछवा थाना अंतर्गत फर्दपुर के पास बिछवा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति जो होंडा मोटरसाइकिल से था उसको रोकने की कोशिश किया गया तो रुका नहीं, वो भागा। पुलिस ने पीछा किया, आगे जाकर के वो मुड़ा और उसके बाद से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो उसके पैर में लगी, घायल अवस्था में मिला। पूछताछ में बताया कि उसमें इदरीश है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। भोगांव से गैंगस्टर में ये वांछित चल रहा था, इसके ऊपर लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं। इस संबंध में उसको अस्पताल में भेजा गया है और वांछित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई पुलिस भी जख्मी हुई है? और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ चलाया, अपने को सुरक्षित रखते हुए उसके ऊपर फायर किया। बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए थे, जिसके कारण पुलिस के ऊपर कोई चोट नहीं है। सर, उसने भी हमला किया था पुलिस के ऊपर? हाँ, पुलिस के ऊपर उसने फायर किया था। इसके पास से वो गाड़ी मिली है, तमंचा मिला है, कारतूस मिला है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं, नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का, डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन, जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781100। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का,
पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।